सो हेलो दोस्तों, तो कैसे आप लोग, मैं हूं आपका दोस्त हरविंदर और आप देख रहे हैं आपको अपने चैनल हरविंदर गेमिंग। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम एक बार फिर से क्रिकेट गेमिंग न्यूज़ के ऊपर लेकर आ चुके हैं वीडियो। जैसे कि आप सभी को पता है कि हर मंडे हमारा जो है मंडे सुपर न्यूज़ यहाँ पर जो एपिसोड आता है, तो आज उसका 5वां एपिसोड आप सभी के लिए लेकर हाजिर हो चुका हूँ। इस गेम के अंदर हम अच्छी अच्छी क्रिकेट गेमिंग न्यूज़ के ऊपर बात करने वाले हैं। T20 क्रिकेट चैंपियनशिप 3D गेम से लेकर रियल क्रिकेट 2022 से लेकर WCC3 गेम तक इस वीडियो के अंदर हम जो है वो बात करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग होने वाला वीडियो मन तक रहेगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी जरूर से कर दीजिएगा। तो फाइनली कर लेते हैं आज के इस वीडियो को स्टार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। पहली न्यूज़ निकल के आ जाती है T20 क्रिकेट चैंपियनशिप 3D गेम की तरफ से। तो इस गेम के अंदर एक न्यू अपडेट लॉन्च हो चुका है प्ले स्टोर के ऊपर। उस अपडेट के अंदर ज़्यादा फीचर तो देखने को नहीं मिले हैं। अपडेट के अंदर जो भी गेम के अंदर बग्स आ रहे थे वो सारे सॉल्व हो चुके हैं। बाकी इन्होंने AI के अंदर थोड़ा सा चेंज किया है, माफ कीजिए UI के अंदर, UI के अंदर इन्होंने थोड़ा सा चेंज किया है, यानी कि जो होम इंटरफेस होता है उसके अंदर यहाँ पर थोड़ा सा चेंज किया। बाकी गेम के अंदर जो भी बग्स आ रहे थे, प्रॉब्लम हो रही थी, वो सारी सॉल्व हो चुकी है। एंड ये जो अपडेट है वो 3 मई को देखने को मिला है। काफ़ी अच्छा गेम है, इस गेम के आपको IPL देखने को मिल जाता है। तो एक बार इस गेम को भी आप जरूर से ट्राई कर सकते हैं। सिर्फ यहाँ पर इस वीडियो के अंदर इन्फॉर्मेशन देना था कि इस गेम का भी अपडेट आ चुका है, एक बार जरूर से चेकआउट कर सकते हैं आप इस अपडेट को भी। अगली न्यूज निकल के आ रही है WCC3 गेम की तरफ से। तो WCC3 गेम का भी न्यू अपडेट काफी जल्दी आपको देखने को मिलने वाला है। उस अपडेट के अंदर फीचर के बारे में ज़्यादा पता नहीं है कि क्या क्या फीचर आएंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस अपडेट के अंदर आपको कोई ना कोई कमेंट्री तो देखने को मिल सकती है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है कि इस गेम के अंदर कोई भी न्यू कमेंट्री देखने को नहीं मिली। एंड आप सभी को पता है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा लैंग्वेज की कमेंट्री देखने को मिलती है। एंड हो सकता है कि और भी लैंग्वेज की कमेंट्री आ जाए आने वाले अपडेट के अंदर, तो इस अपडेट के अंदर हो सकता है कि कमेंट्री आ जाए, लेकिन कन्फर्म न्यूज़ नहीं है। अपनी तरफ से बता रहा हूँ कि कमेंट्री आ सकती है इस अपडेट के अंदर। बाकी इसके अलावा और भी ज़्यादा फीचर तो देखने को नहीं मिलने वाले इस अपडेट के अंदर। एंड इस अपडेट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो फीचर देखने को मिले हैं वो मिलने वाले हैं वो है यहाँ पर बग फिक्सेज, और जो भी गेम के अंदर प्रॉब्लम हुआ आ रही है आपके फोन के अंदर लैग वगैरह हो रहा है वो सारा सॉल्व हो जाने वाला है। एंड ये जो अपडेट है वो इसी मंथ आपको कभी भी देखने को मिल सकता है। एग्जैक्ट डेट मेरे पास नहीं है, कोई भी मुझे पता नहीं चला कि अपडेट कब तक देखने को मिलेगा, लेकिन मैं अपनी तरफ से बता देता हूँ कि मई के मंथ में ही ये जो अपडेट आपको देखने को मिल जाने वाला है प्ले स्टोर के ऊपर। न्यूज़ निकल के आ रही है रियल क्रिकेट 20 गेम की तरफ से। तो इस गेम के अंदर भी एक न्यू अपडेट, यहाँ पर फैंस की डिमांड है कि यहाँ पर देखिए इसके अंदर एक न्यू अपडेट देखने को मिला था, अभी पिछले मंथ देखने को मिला था ये जो अपडेट है। उस अपडेट के अंदर ज़्यादा फीचर नहीं देखने को मिले थे, जो नई 2 IPL की टीमों को ऐड किया गया था, जर्सी को और यहाँ पर जो लेटेस्ट जर्सी या IPL टीमों को इसको अपडेट किया गया था। एंड जो भी यहाँ पर अपडेटेड रोस्टर को, यानी कि जो भी सक्वेड अपडेट थे उनको यहाँ पर अपडेट किया गया था, लेकिन एक फीचर इन्होंने मिसिंग कर दिया, जो कि IPL ऑक्शन के अंदर देखिए अभी 2 नई टीमें देखने को नहीं मिलती हैं। IPL ऑक्शन के अंदर 2 नई टीमों को इन्होंने ऐड नहीं किया, और IPL का ऑक्शन का जो रोस्टर होता है उसको भी अपडेट नहीं किया है। एंड फैंस की डिमांड है कि इसको भी यहाँ पर अपडेट कर देना चाहिए। तो हो सकता है कि इसी मंथ इसका भी एक अपडेट आपको देखने को मिल सकता है, जिसके अंदर आपको IPL ऑक्शन के अंदर दोनों नई टीमें गुजरात और लखनऊ की टीमें IPL ऑक्शन के अंदर ऐड होते हुए दिखाई दे जाए, और जो भी यहाँ पर अपडेट ऑक्शन रोस्टर है उसको अपडेट कर दिया जाए, जो भी प्लेयर मिसिंग है वो उनको ऐड कर दिया जाए, नए नए प्लेयर आए थे ऑक्शन के अंदर उनको अपडेट कर दिया जाए, बाकी गेम के अंदर जो भी बग्स आ रहे हैं उनको सॉल्व किया जाएगा। इसके अलावा ज़्यादा फीचर आपको देखने को नहीं मिलने वाले इस अपडेट के अंदर। एंड ये जो अपडेट है वो यहाँ पर मुझे पता नहीं कि आएगा भी या फिर नहीं आएगा, अगर अपडेट आ भी जाता तो इसी मंथ आपको कभी भी देखने को मिल सकता है। यहाँ की दिन की आखिरी न्यूज़ निकल के आ रही है रियल क्रिकेट 22 गेम की तरफ से। तो रियल क्रिकेट 22 की जो न्यूज़ निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है कि मई का फर्स्ट वीक भी यहाँ पर खत्म हो चुका है, लेकिन अभी तक इसके रिगार्डिंग कोई भी न्यूज़ देखने को नहीं मिली है कि गेम कब तक आएगा कब तक नहीं आएगा, ना ही कोई पोस्ट आई है कंपनी की तरफ से। सिर्फ और सिर्फ उन्होंने ट्रेलर लॉन्च किया, उसके बाद से कोई भी इसके रिगार्डिंग कोई भी न्यूज़ हमको नहीं दिया। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि 20 मई तक इसका कोई ना कोई यहाँ पर इसके रिगार्डिंग कोई ना कोई न्यूज़ तो आपको या फिर पोस्ट वगैरह जरूर से देखने को मिलेगी, या फिर रिलेटेड के रिलेटेड आपको पोस्ट देखने को मिलेगी, या फिर जो है छोटा मोटा टीजर जरूर से देखने को मिल जाएगा 20 मई से पहले पहले। गेम की बात करें तो गेम अभी ज़्यादा डिले हो जाने वाला है, वीडियो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, तो डिले क्यों होगा वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करूंगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं जो है अपना इजेक्ट डेट के ऊपर बात करने वाला हूँ कि गेम कब तक देखने को मिलेगा आपको प्ले स्टोर के ऊपर। तो आज की इस वीडियो कहीं पर खत्म कर लेते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता देना, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बोल लगे डिसलाइक मार देना, चैनल पर पहली बार आया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।